पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया के लोग यह महोत्सव मना रहे हैं। प्रभु श्री राम को जब यहाँ बुलाने की बात हुई तो यह प्रेरणा किसको मन में आई होगी। 500 वर्षों तक हम लोग कोशिश करते रहे, अगर राम तेरा सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न हो। बुलावा तो सबको आ चुका है, निमंत्रण। अच्छा एक बात बताइए, आपके घर में आपकी बहन की, आपके भाई की शादी होगी तो परिवार के सब लोगों को निमंत्रण जाता है क्या? अरे आपके तो पूर्वज है, आपके परमात्मा है, कौन बुलाएगा आपका? जोड़ी में होती है प्राण प्रतिष्ठा, जब व्यक्तिगत प्राण प्रतिष्ठा आपके घर में होगी, यह सामूहिक है। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। पूरे देश में जश्न का माहौल चल रहा है और ऐसे में आचार्य सुदर्शन जी महाराज भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए और पत्रकार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि माँ ककई ने राम जी को 14 साल का ही वनवास दिया था, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने राम जी को ना जाने कितने वर्षों तक अपने घर से दूर रखा। अब वो वक्त आ गया है, अब एक अवतारी पुरुष आए हैं, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रामलला को लाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और उसको लेकर उन्होंने साफ तौर से कहा कि पूरे देश के लोग उसका दर्शन करना चाहते हैं, अयोध्या जाना चाहते हैं, लेकिन सभी लोग अगर अयोध्या आ जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, घटना घट सकती है। इसको लेकर इन्होंने साफ तौर से कहा कि अपने घर में भी दीपावली मना सकते हैं, रामलला को स्थापित कर सकते हैं और रामलला के आने की खुशी में दीपावली का उत्सव मना सकते हैं अपने घरों में। तो क्या कुछ कह रहे हैं आचार्य सुदर्शन जी महाराज, आप खुद ही सुनिए। हमारे राम आएंगे, यह बड़ी वर्षों की तपस्या के पश्चात आज यह सुखद दिन देखने को मिला। माता कैकेयी ने तो 14 वर्ष के लिए प्रभु श्री राम को वनवास भेजा था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने 550 वर्षों के लिए प्रभु श्री राम को टेंट में निवास करा दिया। हम तमाम लोग उनके वंशज हैं, हम देखते रह गए निरी अबला प्राणी के तरह। एक छोटी सी सूचना किसी व्यक्ति ने कर दी कि 22 तारीख को हम लोगों का या प्रभु श्री राम का जो महाभिषेक हो रहा है अयोध्या में, और इसको करने वाले एक कोई मनीषी है, कोई व्यक्ति है, कोई फकीर है जिसने बड़ी साधना करने के बाद बड़ी प्रभु श्री राम को वहाँ स्थापित कर किया है। उसका नाम है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। पता नहीं किस जन्म का उन्होंने सौगात दिया है। आप तमाम मित्रों के माध्यम से लोग पूरी भारत की जनता को हम अपनी ओर से नमस्कार करना चाहते हैं कि बड़ा सौभाग्य से यह समय आया है हमारे बीच में कि भगवान को पुनः हम लोग बुला रहे हैं। यो तो भगवान सब जगह विराजमान रहते ही हैं, लेकिन हम लोग जहाँ से प्रभु श्री राम विस्थापित हुए थे उस स्थान को उसको रुकवाइए कहीं पर, तो जहाँ से प्रभु श्री राम को विस्थापित किया गया था, हमारा सौभाग्य है यार कि हम लोग तमाम अयोध्या में पुनः राम को बुला रहे हैं और प्रभु श्री राम का वहाँ अभिनंदन कर रहे हैं। आपको पता है देश के 144 करोड़ लोगों की आशा आकांक्षाओं का यह प्रतीक प्रभु श्री राम जब अयोध्या में विराजमान होंगे तो पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया के लोग यह महोत्सव मना रहे हैं। और एक बात जानते हैं, यह कैसे हुआ? एक ही कारण है कि प्रभु श्री राम को जब यहाँ बुलाने की बात हुई तो यह प्रेरणा किसको मन में आई होगी। 500 वर्षों तक हम लोग कोशिश करते रहे, अगल बगल से झांकते रहे कि हम लोग किसी तरह प्रभु को यहाँ बुलावें, लेकिन एक बड़ी अच्छी, जब मैं राम कथा कहता हूँ
तो एक पंक्ति मैं गाता हूँ, अगर राम तेरा सहारा न हो, अगर राम तेरा सहारा न हो तो दुनिया में कोई हमारा न हो, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर राम की कृपा आप पर नहीं होती तो आप यहाँ नहीं आए होते, क्योंकि राम एक ऐसा शब्द रमंति प्राण सारामा, जो हम तमाम लोगों के शरीर में प्राण रूप में जो विराजमान है, वह राम हमसे बिछुड़ गया था, उसी को बुलाने के लिए आज हम लोग पूरे देश के लोग एक बार शंखनाद कर रहे हैं, आओ प्रभु राम, आओ हमें बचाओ, और उसी के लिए आ रहे हैं। इसलिए हमारे राम आएंगे, यह एक क्षण की बात नहीं है, यह एक तपस्या है, बहुत बड़ी बात है। तो आप तमाम मित्रों से अनुरोध है कि इस महोत्सव को मनाएं, इस क्षण को जिए, जब हमारे भगवान हमारे परमात्मा कहीं विलुप्त हो गए थे, उन्हें बंदी अभी देखा ना, अभी मथुरा में हम बंदी, मथुरा में भी हम नहीं कुछ कर पाए, तो वहाँ भी प्रयास करने की आवश्यकता। और मैं आपके माध्यम से, सभी मित्रों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अयोध्या की बात मथुरा की बात, मथुरा से लो भी हम लोगों को प्रभु भगवान श्री कृष्ण को मुक्ति कराना है उस खंडहर से। तो आज जो हम लोग हमारे राम आए हैं इस महोत्सव के मनाने के लिए आपके माध्यम से, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि 144 करोड़ लोग अयोध्या जाएं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाह रहा है। आज कोई विरोधी पक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सारे लोग हृदय से स्वीकार कर चुके हैं जब भगवान हमारे पूर्वज हैं, वो ये बड़े संकट में थे, आ गए तो उनका महोत्सव मनाने जा रहे हैं। और एक चीज़ समझते हैं, राजनीति की बात मैं नहीं करता, मैं संस्कृति की बात करता हूँ। और एक चीज, अब नया राम जब आ गए तो आपके समाज में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इसका प्रचलन होगा, राष्ट्रवाद भी हो और सांस्कृतिक हो, आध्यात्मिक समाजवाद का भी प्रचार हो। ये दो शब्द बड़ी कीमती है आज के युग में, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद कैसा, जो सांस्कृतिक हो, हमारी मर्यादा हमारी हमारी अस्मिता के प्रतीक हो, उस राष्ट्रवाद की अब कल्पना होगी। हमारे महात्मा गांधी जी कहा करते थे, देश में राम राज लाओ। यह राम राज क्या है, राम राज का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो। और राम राज अब भारत में आ गया है, अब उसकी कल्पना की जा रही थी, अब सभी लोग उस राष्ट्रवाद के आधार पर राम राज की कल्पना कर रहे हैं। और यही एक ही बात हम लोग राम कथा में गीत गाते हैं, अवध में घर घर बाजे बधाई, एक जब से राम अवध में आए घर घर बाजे बधाई, अवध में घर घर बाजे बधाई। तो आज जो अवध में घर घर बाजे बधाई हम लोग राम कथा में गाते हैं, तो आपके माध्यम से हम तमाम देश के लोगों को कहना चाहते हैं, ये अवध में जिस प्रकार घर घर बधाई बज रही है, आज भारत के प्रत्येक घरों में बधाई बजे, हम लोग गाएं नाचे गुनगुनाए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम सभी लोग अयोध्या आवे यह संभव नहीं है, इतनी बड़ी संख्या, छोटी सी अयोध्या, हम कहाँ बैठेंगे, कहाँ रहेंगे, सुरक्षा की दिक्कत, भोजन क्या करेंगे, कहाँ बाथरूम जाएंगे, कहाँ स्नान करेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की यह भी बात तमाम लोग मान लीजिए, और मंदिर में से लेकर, अगर ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि भगवान को मंदिर से उठा के हम ले चले अपने घरों में स्थापित करें, हम अपने घरों को मंदिर बना दें, हम वहाँ दीपक जलाएं, वहाँ
दीपावली मनाए। अगर ऐसा हो जाए तो आप तमाम मित्रों के घर में दिवाली बनेगी और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आपके बच्चों पर पड़ेगा, आपकी पत्नी, आपके परिवार, आपका घर, समाज राममय हो जाएगा। और यही कहते हैं, वाल्मीकि ने लिखा था बहुत अच्छा, कि जो व्यक्ति संसार की पूजा करता हो और प्रभु श्री राम को विस्मृत कर देता हो, वह व्यक्ति जीवन में असफल हो जाता है। हम केवल जस चाहते हैं अपने जीवन में राम तुम्हारा, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। इस दृष्टि से हम लोगों को आज से ही तैयारी करनी है, अपने अपने घरों में अपने बच्चों को प्रशिक्षित करिए। मेरे भाई, आप पत्रकार हैं, ठीक है, आपका काम प्रकाश देना है, लेकिन अपने घर को भी प्रकाशित करिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी पत्नी, आपके आपकी माताजी, आपकी बेटी, आपका बेटा राममय हो जाए, राम का स्मरण करता रहे। और कहते हैं कि एक बार राम का स्मरण कर लेंगे, रवंती प्राण स राम, आपके परिवार के सभी लोगों के प्राणों में राम का निवास हो जाए, ऐसी मंगल कामना है। तो हम सब लोग मिल के गाए, घर घर बाजे बधाई अवध में, घर घर बाजे बधाई जब से राम अवध में आए, घर घर बाजत बधा, घर घर बाजत बधाई अवध में, भारत के सब घर में बाजत बधाई भारत में, घर घर बाजे बधाई। आप तमाम लोगों को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त हो, आपके माध्यम से, आपके पत्र, टेलीविजन के माध्यम से यह संदेश पूरे देश में फैले। ऐसी बुलावा आया या नहीं वहाँ से? बुलावा तो सबको आ चुका है, निमंत्रण। अच्छा, एक बात बताइए, आपके घर में आपकी बहन की, आपके भाई की शादी होगी तो परिवार के सब लोगों को निमंत्रण जाता है क्या? यही समझिए ना। अरे, आपके तो पूर्वज हैं, आपके परमात्मा हैं, कौन बुलाएगा आपका? आपके बुलाने वाला भी आप ही हैं, जाने वाले भी आप ही हैं। बुलाने के लिए तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ कर कहा कि मैं प्रणाम करता हूँ सब लोगों को कि आप लोग। महाराज जी, कई ऋषि मुनि उनका विरोध भी कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा जोड़ी में होता है, पति पत्नी मिलके करते हैं, वैसे तो अभी तो ये तो दूसरी बात हो गई। जोड़ी में होती है प्राण प्रतिष्ठा जब व्यक्तिगत प्राण प्रतिष्ठा आपके घर में होगी, यह सामूहिक है। तो कितने लोगों का, जिन लोगों के पत्नी नहीं है, तो क्या ये लोग प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएगी? तो सामूहिक है। और हमारे पूर्वजों की एक कई बार प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। हम पुनः संत महात्माओं को तो मैं प्रणाम करता हूँ, सभी सिद्ध पुरुष हैं। अभी अयोध्या में जो समा बना हुआ है, मेरे भाई कभी जाइए, और नहीं तो फिर 22 तारीख के टेलीविजन पर आप देखेंगे, और आज का समाचार भी टेलीविजन पर देखेंगे, ये क्या क्या होता है उसका। चलिए, बहुत धन्यवाद।